को चलाया जा रहा है और ऊपर से हमारी विफाकी गवर्नमेंट आईएमएफ की शरायत तले जैसे दबी जा चुकी है, इससे लगता है कि जो महंगाई का मौजूदा तूफान चल रहा है इसमें बहुत जल्द और इजाफा होने जा रहा है। जैसे गैस, तेल और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो लगता है कि हमारी पंजाब की बेचारी गरीब आवाम को वो राशन बैग जिनके ऊपर रिजेक्टेड और कबूतरों वाले बाबे की तस्वीर लगी हुई है उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। अगर इतना ही आवाम का जज्बा है तो मेरा डिस्ट्रिक्ट बहुत पसमानदा है लैया, उधर इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए, बहुत सारी सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं उधर। मेरे दो हैं के नवाकोट और खैरे वाला, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट इस्तेमाल करवा ले तो आपको इतनी उधर जमीनें मिलेंगी कि आप उधर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल जोन प्लान कर सकते हैं, उस पर जरा सोचा जाए। इसके अलावा मेरे हलका के किसानों में बहुत ज्यादा इस्तराब पाया जाता है कि किसी ने, जो पुराने नुमाइंदे थे इधर, उन्होंने शोशा छोड़ा हुआ था कि कोई सोलर प्रोजेक्ट उधर, सोलर पार्क बनाया जा रहा है। जनाबे वाला, मेरी इसमें गुजारिश है कि अगर सोलर पार्क हुकूमत ने बनाना ही है तो वो जो सरकारी ज़मीनें उधर इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं उनके ऊपर बनाया जाए, ना कि गवर्नमेंट प्राइवेट बंदों की माल की ज़मीनों के ऊपर बनाया जाए। अगर इस तरह किया गया तो काफ़ी लोग उधर एजिटेट करेंगे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट खटाई में जा सकता है। मेरे पसमानदा हल्के चौक आज़म और चुबारा में दानिश स्कूल और बरानी यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके ऊपर मैं तवज्जो चाहूँगा जनाब वजीर खजाना साहब की, कि मेरे हलके में चौक आज़म चुबारा में दानिश स्कूल और बरानी यूनिवर्सिटी जो है उसको प्लान किया जाए ताकि लोगों की एजुकेशन उधर अच्छी हो सके। इसके अलावा आप जनाबे वाला क्लच प्लेटों वाली सरकार के लिए एम्बुलेंस ज़रूर चलाएं, लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि कम अज़ कम उससे पहले मेरे हल्के के BHUs और RHCs की एम्बुलेंसेस पहले पूरी कर दी जाएं, उधर की दवाइयां पहले पूरी कर दी जाएं। और जिस तरह THU चौक आज़म और THQ चुबारा की रीवैम्पिंग के लिए अप्रूवल पहले हो चुकी है, कुछ फंड्स उसके बकाया हैं, उन फंड्स को दे दिया जाए। इसी तरह चौक आज़म THQ का जो ट्रॉमा सेंटर है उसकी भी अप्रूवल हुई हुई है, उसके लिए फंड्स दे दिए जाएं। इसी तरह गर्ल्स कॉलेज नवाकोट और गर्ल्स कॉलेज जमाल छपरी नियर कम्प्लीशन है, सिर्फ अभी उधर क्लासेस शुरू होनी है और बड़े थोड़े से फंड्स चाहिए उसके लिए, वो दिए जाएं ताकि क्लासेस शुरू हो सकें। इस तरह चौक आज़म के एक सेवरेज स्कीम है, उसका सिर्फ 10-5-7% या 10% काम रहता है।